हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। मैं हूं कमलेश और स्वागत है आपका हमारे कमलेश मोबाइल बैंकिंग चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ अलग होने वाला है, क्योंकि आज है हमारे पास एक लावा का कीपैड सेट और जो कि कस्टमर की तरफ से फुल्ली डेड है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेड फोन को कैसे हम ट्रेसिंग करेंगे और एक्चुअल में इसका क्या फॉल्ट है, क्योंकि थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि हमने इस पे क्या बताया है आपको। फिर भी आपको डिटेल में थोड़ा बताना जरूरी है। तो देखिए, लावा का फ़ोन है ए, तो हालांकि अक्सर लावा के मॉडलों में एज कमी होती है, लेकिन इससे आप कोई सा भी बैटरी को रिपेयर कर सकते हैं जो कि जल जाता है कभी कभार, तो उसको भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। और बैटरी अगर फुली ना हो, करंट में आउटपुट ना दे रही हो, फिर भी आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, हमारा फ़ोन बिल्कुल ओके है अकॉर्डिंग टू रीडिंग। तो अब चलिए, इसमें हम दूसरा बैटरी डाल के आपको चेक कराते हैं कि फ़ोन दूसरे फ़ोन बैटरी से ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए, फ़ोन हमारा ऑन हो गया और खुल भी रहा है, यानी कि फ़ोन जब ऑन हो गया तो कंप्लीट फ़ोन ओके है, फ़ोन को हमें टच नहीं करना है। तो ऐसे में तो बैटरी देखने में बिल्कुल अच्छी लग रही है और नया भी है। तो मार्केट से अगर नया बैटरी डालेंगे इसमें तो ऑन हो जाएगा, लेकिन हमें नया बैटरी नहीं डालना है, इसी को चेक करना है। तो देखिए, इसमें हम जब वोल्टेज चेक करते हैं 0.43 के आसपास रीडिंग है, जो कि बिल्कुल डेड कंडीशन की बैटरी है। तो इसको हम कैसे रिपेयर करते हैं? इसमें दोस्तों होता कुछ नहीं है, जो बैटरी के ऊपरी वाले भाग में कुछ कंपोनेंट लगे हुए होते हैं, उन्हीं के वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाने की वजह से हमारा जो वोल्टेज होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो उसे रिपेयरिंग करने के लिए हमें एक जम्पर लगाना है जहाँ से हमको बैटरी का वोल्टेज मिलता होगा वहाँ से। बाकी ये देखिए, ये बैटरी जो टीवी पॉइंट है, ये माइनस वाले का टीवी पॉइंट है। तो और ये आगे देखेंगे तो आगे देखिए, हमारा रीडिंग आ गया जो कि 3.3 वोल्टेज 4 वोल्टेज के आसपास है, 3.83 वोल्टेज के आसपास। तो बिल्कुल परफेक्ट वोल्टेज है और बैटरी में चार्ज है। तो हम एक जम्पर उठा के मार देंगे बैटरी के निगेटिव पॉइंट से लेके और जहाँ पे हमको वोल्टेज मिल रहा है वहाँ तक। तो यहाँ से दोस्तों, ये जो हम जम्पर मार रहे हैं, तो कोई से भी बैटरी में अगर टीपी पॉइंट नहीं होता है तो बैटरी को जब आप नीचे से खोलेंगे तो वहाँ पे दो, एक प्लस और माइनस दो ही बैटरी का पॉइंट मिलेगा। तो डायरेक्ट वहाँ से भी आप उठा के लगा सकते हैं। फिलहाल ये ऊपर में था तो यहीं पे टीपी पॉइंट मिल गया था। तो अब इसको हम फिर से असेंबल कर लेते हैं बैटरी को, ताकि कोई दिक्कत ना हो, और फिर हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। तो देखिए, जहाँ पे पहले पॉइंट के हिसाब से वोल्टेज था, यहाँ पे नॉर्मल हो गया है। और अब देखते हैं कि अब इसी बैटरी से हमारा फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, ये हमारा फ़ोन इसी बैटरी से ऑन हो गया है। और दोस्तों, इस तरीके से आप बना सकते हैं बैटरी को, किसी भी डेड बैटरी को। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।